आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं आपके साथ रिश्ला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आजादी के अमृत महोत्सव पर यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया। वही इस अवसर पर उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को चुने जाने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे बताया गया कि यूपी विधानसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या है वो कुल सदस्यों की 403 का 12% है। वही विधान परिषद में कुल 100 सदस्यों में महिलाओं की संख्या सिर्फ 5 है, जिसे और बढ़ाने जाने की जरूरत है। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के अलावा पूरे प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए कार्य करने हेतु वचनबद्ध हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश शीघ्र ही हर तरह से उत्तम प्रदेश बनेगा। जब देश का सबसे बड़ा राज्य प्रगति के उत्तम मानकों को हासिल करेगा तो स्वतः ही पूरे देश के विकास को संबल प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि आज से 25 वर्ष बाद जब हमारे देशवासी आज़ादी की शताब्दी के उत्सव मना रहे होंगे तब उत्तर प्रदेश विकास के मानकों पर भारत के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो चुका होगा और हमारा देश विश्व समुदाय में विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों निवासियों को आज के उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी और श्रावस्ती में प्राचीन काल में ही वैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण मौजूद थे जिनका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक भाषण में किया था। आज आप सभी जनप्रतिनिधिगण उस प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। यह आप सबके लिए गौरव की बात है। साथ ही आप सबके ऊपर भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। सामाजिक समावेश की दृष्टि से यह एक अच्छी उपलब्धि है कि वर्तमान विधानमंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का दायरा कहीं अधिक व्यापक हुआ है। लेकिन मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूपी विधानमंडल की संयुक्त बैठक के दौरान सीएम योगी ने दोनों सदनों को संबोधित किया। दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। एक साधारण परिवार में जन्म लेना, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा, कानपुर नगर में लेने के पश्चात आपने कानपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक सामान्य गांव और एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश के गौरव और गरिमा को बढ़ाना ये पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इतिहास के पन्नों में आजादी के ऐसे भी नायक हैं जिन्हें हो सकता है उचित स्थान न प्राप्त हुआ हो, परंतु उनके योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को अमृत महोत्सव के पंच सूत्र दिए। ये सूत्र हैं आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, यानी अमृत महोत्सव का मतलब आजादी की ऊर्जा का महोत्सव, स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का महोत्सव, नए विचारों का महोत्सव, नए संकल्पों का महोत्सव, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का महोत्सव।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। वहीं उनका नामांकन कराने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत से चुनाव में जुट जाने और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। माननीय मुख्तार अब्बास में कैबिनेट मंत्री हमारे आए थे, हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय धर्मपाल जी थे, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित जी थे, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे बलदेव बोले। आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आजमगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमागहमी देखने को मिली, जहां पर सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे और धर्मेंद्र यादव के साथ समर्थकों के अलावा गोपालपुर विधायक नफीस अहमद और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव मौजूद रहे। वे दिनेश लाल यादव के नामांकन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी पहुंचे। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के देखते हैं, अगर विकास नहीं हुआ तो फिर जगह दीजिए भाई। आपने मुझे दिया तो किन किन बिंदुओं पे आपकी नजर, मेरी सारी बिंदुओं पे नजर है, सारे विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ चुनाव हारने के बाद भी हर विधानसभा में अपनी टीम लगा करके और एक एक बिंदु पे मैं उपरांत बना करके और मुख्यमंत्री जी के पास और जिस जिस भी अधिकारी के पास भेजना होता था मैं लेके जाता था। तो सारी बिंदुओं पे बुला रहा है पहले से हम लोगों को निकल आया उस पे सबसे पहले पिछली बार जो दिनेश जी को वोट मिला हमें लगता है उनके आचरण व्यवहार के कारण, उनकी ईमानदारी के कारण, आदरणीय मोदी जी योगी जी की लोकप्रियता, गरीब कल्याण के कारण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ के जनता जनार्दन ने मन बना चुका और हमें लगता है कि यहाँ इस बार कमल खिलेगा। देखिए हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो, समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। खबर अयोध्या से है, जहां महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे 15 जून को अयोध्या के दौरे पर है। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के बाद होटल पंचशील में पत्रकारों से वार्ता के दौरान संजय राउत ने कहा, कानपुर बवाल मामले पर कहा कि मामला गंभीर हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। पैगंबर के बारे में जो भाजपा के प्रवक्ता ने जो बात कही इसका समर्थन देश में कोई नहीं करेगा। तो वही आज राज ठाकरे के विरोध संजय राउत ने कहा कि बृजभूषण शरद सिंह किसी के दबाव में नहीं आने वाले नेता है, उनका अपना नेतृत्व है। साथ ही संजय राउत पर अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की। वो मसला जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है और वो अंतरराष्ट्रीय मसला हो चुका है। गल्फ के बहुत से देशों ने हमारे जो वहां के हाई कमिश्नर है उनको बुलाकर अपनी नाराजगी जताई है। प्रॉफिट पैगंबर के बारे में जो बात बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने कही है उसका समर्थन इस देश में कोई करेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी को भी उस मामले में देश से और उस सभी देशों से माफी मांगनी पड़ रही है। खबर कानपुर से है, जहां प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर आम जनता को सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिला रहा है। वही ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी और आईपीएस अजय पाल शर्मा के साथ पुलिस ने यतीम खाना चौराहे के से रूप चमनगंज इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों से अपील किया कि वह अपनी अपनी दुकानें खोले और किसी तरह की अफवाहें ना फैलाएं। जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट हो गई जिसमें दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस पूरे मामले को लेकर युवती ने बताया कि हमारे पाटीदार से आपसी हिस्सेदारी का विवाद था जिसके चलते पाटीदार ने हमसे बेरहमी से मारपीट कर हमें घायल कर दिया और जब हम थाने पहुंचे तो थानेदार ने कार्रवाई करना तो दूर कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज किया। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, एक बार उसके घर से नहीं गई। वो मेरे साथ के भतीजा दो है, उसका भाई एक है, एक मेरा तेवर है, वो मारे जो भी उनके हाथ में था करता पर सकता। क्या नाम है उन लोगों का जो आप लोग को मारे हैं? एक का सदुल्ला नाम है, एक का इरशाद नाम है, एक का बैतुल्ला नाम है।
खबर का नौ से है, जो अधिवक्ताओं ने फिल्म पृथ्वीराज चौहान के निर्देशक का पुतला फूंका और जयचंद्र को गद्दार दिखाकर कन्नौज का नाम बदनाम करने का प्रयास किया। इस दौरान फिल्म के निर्देशक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और जयचंद्र को गद्दार साबित करने वालों पर 5 लाख का इनाम रखा। कन्नौज के किसी भी अधिवक्ता, साहित्यकार और किसी को क्यों नहीं पूछा गया और फिल्म बन के तैयार हो गई, ये एक बिल्कुल सरासर गलत तथ्यों पर आधारित है। वो कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है जिसके आधार पर ये इस पिक्चर का जो ये है ये पटकथा लिखी गई है, तो वो कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है। किसी प्रमाणिक ग्रंथ के आधार पर अगर इतनी पटकथा होती तो वो बात अलग। अब ये तो ऐसे ही जो पृथ्वीराज राजपूत है वो उनके दरबारी कवि थे, उनके द्वारा उनकी प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है, तो उसकी प्रमाणिकता को। हरदोई से है, जहां बघौली थाना क्षेत्र की महिला ने द टेलीकास्ट के पत्रकार पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद एडिशनल एसपी अनिल कुमार यादव ने बताया कि पीड़ित महिला ने महिला आयोग में शिकायत की गई थी, जिसकी जांच पुलिस टीम द्वारा की जा रही है और दोषी पाए जाने पर दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। महिला है, उसने राज्य महिला आयोग के प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका अपने पति से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर वो कचहरी आई थी और वहाँ पर एक पत्रकार उसे मिले, उसका इंटरव्यू लेने के बहाने उसको ले जा करके अपने घर पर कोल्ड ड्रिंक पिला करके उसके साथ उन्होंने रेप किया है तथा जान से मारने की धमकी दी है। इस तरह की प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर खबर आगरा से है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही से 8 साल का मासूम गड्ढे में गिर गया। बता दें, नगर निगम करीब 1 महीने पहले गड्ढा खोदकर भूल गया, जिसमें खेलते समय बच्चे गिर गए। उसमें गड्ढे में पानी ना होने की वजह से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि सारा मामला लोहा मंडी के क्षेत्र मोती कुंज का है। चार बच्चे जहाँ खेल रहे थे और जो दो दुकानदार भी आप सही में देख रहे थे, और इस तरीके से बच्चे खेलते खेलते इसमें गिर गया। मैं तो अपने घर पर खाना खा रहा था, मुझे मालूम पड़ी किसी मियाँ भाई का बच्चा इसमें गिर गया है। तुरंत मैं तो भाग कर आया और मैंने उसको बच्चे को बचाया। अब जो परमात्मा का है और जो भूत के जिसने डाला है, जिसने भी जो भूत के डाला है, सबसे पहले उस आदमी पे कार्रवाई करी जाए। खबर उन्नाव से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के गांव भिखारीपुर निवासी 13 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने खोजबीन शुरू की, पर बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके अगले दिन ही किशोरी का शव गांव के निकट रेलवे ट्रैक के किनारे खून से लथपथ मिला। बता दें, किशोरी की हत्या की वजह से उसके पिता द्वारा एक महिला को भगा ले जाने की रंजिश की हत्या का कारण बताया जा रहा है। जो कि बांगरभों का एक गांव है, यहां पर एक 13 वर्ष की लड़की की हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। इस मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है, जो लोग नामजद कराए गए हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी इस मामले में पुलिस तहकीकात करके जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी करके सभी मेडिको लीगल कार्रवाई करेगी। खबर फरीदाबाद से, जो सेक्टर 24 नवीन पॉलीमर कंपनी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें, आग लगने से लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक की खास खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।